नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2020 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं, जो 8,000 से ज़्यादा पदों के लिए महत्वपूर्ण भर्ती सूचना आप सभी के लिए आ रखी है। तो आप सभी ने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या बता रखा है, क्या पदों की संख्या रहने वाली है, कौन कौन से आपकी पोस्ट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है विद ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। एंड दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके लाइव टेस्ट के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्नो राजस्थान ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं जिस विद्युत विभाग भर्ती को लेकर न्यूज़ आ रखी है। तो आप सभी देख सकते हैं, जो बिजली मंत्री है बीडी कल्ला, उन्होंने कहा है कि बिजली कंपनियों में 8,171 पदों को मंजूरी दे चुके हैं और जल्द ही इनके ऊपर भर्ती की जाएगी। तो आप सभी को पता ही होगा, जो पहले बजट के अंदर जो 9,000 पदों की घोषणा की थी, लेकिन उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और अभी तक जो नया बजट आने वाला है, और अभी तक ये भर्ती नहीं आई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस बजट से पहले इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, जो आपके 8,171 पदों के लिए जो मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। और एक PDF फाइल मैंने आपको बताई भी थी, जिसके अंदर ये मंजूरी दी जा चुकी है कि किसके कितने क्या पद है, स्टेनोग्राफर जिसमें कॉमर्शियल असिस्टेंट, टेक्निकल हेल्पर, और इस जो BD कला ने बताया है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 8,171 टोटल पोस्ट है, और ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की न्यूज़ कटिंग है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं जो BD कल्ला ने कहा है कि युवाओं को जो नौकरी को लेकर हमारी सरकार तत्पर है। तो आप जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किसकी कितनी क्या पोस्ट है, युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए हम गंभीर हैं, बिजली कंपनियों में 1,571 अधिकारियों की, ठीक है। अधिकारियों के अंदर जिसमें आपका जो स्टेनोग्राफर हो गया, जूनियर जूनियर असिस्टेंट सॉरी जूनियर इंजीनियर हो गया, एंड जो आपका जूनियर अकाउंटेंट हो गया। तो ये 1,571 वाली फाइल में भी आप सभी को इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। एंड उसके साथ जो आपकी 5,000 पोस्ट है, वो आपकी है टेक्निकल हेल्पर की, ठीक है। जो IT वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है, 5,500 पदों पर, जो काफ़ी टाइम से मेरे कमेंट कर रहे हैं, जिनमें से लक्ष्मण चौधरी, काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जो रोज़ पूछते हैं कि टेक्निकल पद हेल्पर की क्या वैकेंसी का क्या न्यूज़ है। तो आपके 5,500 पदों पर जो तकनीकी हेल्पर है, टेक्निकल हेल्पर, तकनीकी सहायक की भर्ती आएगी, एंड जो 1,100 आपकी जो है कॉमर्शियल असिस्टेंट, ठीक है, जो आपकी वाणिज्यिक सहायक रहती है, LDC के सिमिलर पोस्ट है, तो इसके 1,100 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। एंड जो आपके जलदाय विभाग के अंदर भी जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती अटकी हुई थी 1,309 पदों पर, तो इसके अंदर जो 8वीं 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसका भर्ती को भी जल्दी से शुरू किया जाएगा, ठीक है। जो BD कल्ला ने बताया कि जो 1,309 पदों की टेक्निकल हेल्पर जलदाय विभाग के अंदर ये भर्ती है, इसको भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए यह है कि जो कॉमर्शियल असिस्टेंट रहती है, जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट भर्ती, तो पहले इसके अंदर जो ग्रेजुएशन थी उसको हटाकर अब 12वीं पास कर दिया गया है। तो जो भी 12वीं पास स्टूडेंट है, सभी जो LDC वाली पोस्ट है कॉमर्शियल असिस्टेंट वाणिज्यिक सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 12वीं पास इसमें हो चुकी है, पहले इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी थी, साथ ही में कंप्यूटर की नॉलेज भी थी। और आप देख सकते हैं, ये 1,571 पदों की फाइल है, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर लीगल ऑफिसर, इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंट ऑफिसर एंड जो पर्सनल ऑफिसर, तो ये आपके 1,571 पदों पर भर्तियां है, ठीक है। और आपकी ये न्यूज़ देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी ही भर्तियां आपकी आने वाली है, और जल्दी से जल्दी आए यही हम सभी उम्मीद करते हैं। तो आपकी 1,571 जो ये आप अधिकारियों की भर्ती हो गई, एंड जो 5,500 टेक्निकल हेल्पर, 1,100 कॉमर्शियल असिस्टेंट, तो कुल मिलाकर आपके 8,171 पदों पर यह भर्तियाँ आने वाली है, और मैंने आप सभी को बता दिया है, तो आप सभी देख सकते हैं। और ये आपको न्यूज़ हमारी वेबसाइट technoRajasthan.com पर मिल जाएगी, किसकी कितनी क्या पोस्ट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो जूनियर अकाउंटेंट वाला है, BCom आपके पास होनी चाहिए, एंड जो कॉमर्शियल असिस्टेंट है उसके अंदर जो भी 12वीं पास है सभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो 5,500 पदों पर टेक्निकल हेल्पर वाली है, तो जिन्होंने भी ITI कर रखी है रिलेटेड ट्रेड के अंदर, वो सभी तकनीकी सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो जलदाय विभाग के अंदर भी ये वैकेंसीज आएगी, तो आप सभी ये न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं, आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और ये स्वीकृति फाइल भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जल्द ही भर्ती आने वाली है, अभी से तैयारी में लग जाइए विद्युत विभाग भर्ती के अंदर, और आप हमारी ऐप से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा, और ये न्यूज़ आपको हमारी वेबसाइट technoraajasthan.com पर मिल जाएगी। ठीक है, तो 8,171 पोस्ट है इसके अंदर, सब कुछ बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, और कॉमर्शियल असिस्टेंट में तो आपको बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि 12वीं पास हो चुकी है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, पहले ग्रेजुएशन पास थे तो अब सभी 12वीं पास वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी काफ़ी वैकेंसीज़ है, आप सभी ये देख सकते हैं। ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट की भी काफ़ी वैकेंसी है, 400 के समथिंग है, 395 है, और हो सकता है पदों की संख्या और भी बढ़ जाए, स्टेनोग्राफर, जूनियर केमिस्ट, सूचना सहायक, तो ये सभी भर्ती आपकी जल्द ही आने वाली है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कराए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।